अस्सलामुअलैकुम, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की जो मेरी वीडियो है बिल्कुल डिफरेंट है। आप लोगों की फरमाइश पे मैंने बनाई है कि हमें ईद है, हमें ट्यूटोरियल चाहिए स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाने को। बहुत डिटेल में वीडियो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप मिस नहीं करना। अब आप वीडियो देखें। सबसे पहले तीन चीज़ें हैं जो मेन जो सीखी है मेकअप के लिए, वो होती हैं कि आपने जब भी मेकअप लेना है तो सबसे पहले एक है कि आपकी जो फाउंडेशन है वो आपकी स्किन से मैच करे। जब आप बिगनर्स हैं तो हमेशा ये देखें कि आप ऑनलाइन कभी भी मेकअप परचेस ना करें। ऑनलाइन जो है वो मेकअप का पता नहीं चलता, तो आपके जो है। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कि आपने अपनी जो स्किन है मेकअप करने से पहले बिल्कुल क्लीन रखनी है, बिल्कुल मतलब कोई भी डर्ट कुछ भी ऐसा ना हो। और आपने या तो क्लिनजिंग कर लें तो बेस्ट है, अगर क्लिनजिंग नहीं कर सकते तो फेस अच्छे से क्लीन हो, वरना जो है हमारा मेकअप जो है वो तो कहते हैं इतना स्मूथ नहीं लग रहा होता और हमारी स्किन बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स भी हमारी स्किन के लिए भी। तो दूसरी और थर्ड जो है लास्ट इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि अगर आप बिगनर्स हैं तो वो आप सारे स्टेप फॉलो करेंगे। जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि पहले आपने फाउंडेशन लगाया लिक्विड फॉर्म में एंड देन आपने पाउडर फॉर्म पे लगा लिया, फिर आपने कोई टचअप करने के लिए फिर लिक्विड लगा लिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। क्योंकि जब आप पाउडर लगा लेते हैं उसके ऊपर आपने लिक्विड नहीं लगाना, फिर वो ये है कि आपका फेस जो है बिल्कुल पेंट लगेगा, जैसे आर्टिफिशियल पेंट लुक आएगी, ऐसा नहीं करना। तो ये स्टेप फॉलो करते हैं और वन बाय वन मैं बहुत ही न्यूट्रल सा मेकअप जो है आज लुक दूंगी। ये ईद के लिए भी बहुत स्पेशल है, मैं ईद पे बिल्कुल न्यूट्रल मेकअप करती हूँ, कोई ग्लैम स्लैम कोई भी ऐसा लुक नहीं देती। अगर हाँ रात का फंक्शन किसी के पास जाना हो जैसे ईद पे तो आप थोड़ा बहुत चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन मेरी बेस जो है फाउंडेशन बिल्कुल ऐसी होती है। तो सबसे पहले जी मैं आपने मॉइस्चराइज करना अपनी स्किन को, मैं ये वाला मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ। आपने कोई भी ऐसी ब्रांड मतलब कि कुछ भी स्पेसिफिक नहीं, इसमें कुछ भी मैं स्पॉन्सर नहीं करी, आपको जो आपकी स्किन पे सूट करता है आपने वही यूज़ करना है। तो ये देखिए मैंने इतना सा मॉइस्चराइजर ले लिया, अपनी स्किन को अच्छे से हम मॉइस्चराइज करेंगे। ये देखिए मेरी स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज हो चुकी है। आपने बहुत ज़्यादा फॉर्म में भी नहीं लेना, अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो ले सकते हैं, लेकिन अभी तो है गर्मियाँ तो आप बहुत ज़्यादा भी फॉर्म में मतलब इतना लेके आपकी स्किन को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। वैसे ये बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है, बिल्कुल नॉन ग्रीसी है जी। स्किन को मॉइस्चराइज कर लिया, अब सेकंड स्टेप आता है प्राइमर। प्राइमर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी स्किन के लिए। ये कि अगर आप फाउंडेशन लगा रहे हैं तो उससे पहले एक अच्छी सी बुनियाद होनी चाहिए, आपकी जो स्किन है वो रेडी होनी चाहिए आपकी स्किन पे। सबसे पहले कि जब फाउंडेशन लगाएंगे तो आपकी स्किन पे स्मूथनेस आएगी, इससे बिल्कुल आपकी स्किन जो है वो ना फेस जो है वो फाउंडेशन बिल्कुल फ्लॉलेस लगेगी। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका वार्टन, इसकी वजह से मैं इसको बिल्कुल स्किप नहीं करती, वो ये बात है कि ये जो है हमारे पोर्स जो है उनको क्लॉक करता है, जो हमारी फाउंडेशन है वो हमारे पोर्स के अंदर नहीं जाती। तो हमने क्या करना है इसका भी, हमने तो ये हमने प्राइमर ले लिया, इतनी सी अमाउंट ली है। तो जहाँ पर स्पेशली मेरे पोर्स है मैं वहाँ पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, और जहाँ पे जिस एरिया पे मुझे लगता है कि मेरी बेस जो है सही से नहीं लगती, मतलब कि सही से ब्लेंड नहीं होती मैं। तो इसके बाद जो हमारी बारी आती है सेकंड थर्ड स्टेप की है, वो है फाउंडेशन। ये लाइट की वजह से नाम नज़र नहीं आ रहा है, ये है टार्ट की अमेजोनियन क्ले। तो मैं जो हूँ फुल कवरेज यूज़ कर रही हूँ, ये 16 आवर फुल कवरेज है। अच्छे से पूरी यहाँ पर लगा लेंगे पूरे फेस पर। इस जो है इसका बेस को ब्लेंड करने का स्टेप आता है, इसके लिए हमने क्या करना है, आपके पास कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर कुछ भी है तो आप वो यूज़ करें, लेकिन मैं ये ब्रश यूज़ करी क्योंकि फुल कवरेज है तो हमने इसको न्यूट्रल लुक देना है। तो हम मेरे पास जो है ये यहाँ से पॉइंटेड नहीं है, आप कोशिश कीजिए जो पॉइंटेड हो आगे से वो ना हो और बिल्कुल ऐसा हो सीक्वेंस में हो वो ब्रश यूज़ करें और इसको अच्छे से ब्लेंड करते हैं। आप ब्यूटी ब्लेंडर से जिससे आपको कन्वीनियंट लगे उससे भी कर सकते हैं। बेस को हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया, ये देखिए बिल्कुल एक स्मूथनेस सी लुक आ गई है, बिल्कुल फ्लॉलेस लग रही है। ये फुल कवरेज थी, मैंने इसको देखिए बिल्कुल न्यूट्रल सी लुक दे दी है, आप स्किन के साथ मैच होनी चाहिए। तो इसके बाद बात ये आती है कंसीलर की। कंसीलर जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो बेयर मिनरल्स है। तो कंसीलर जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जिनके डार्क सर्कल्स हो, मेरी तरह डार्क सर्कल्स के लिए। और आपकी जो कंसीलर का आप हमेशा ट्राई करें कि आपकी स्किन से हमेशा लाइटर हो, आपकी सॉरी बेस से हमेशा लाइटर हो जो आप बेस यूज़ कर रहे हैं। बेस हमेशा एक स्टेप आप डार्क ले लिया करें, लेकिन जो मैंने है उससे बाय मिस्टेक है क्योंकि मैंने ऑनलाइन परचेज़ की थी, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको कहा आप जब न्यू हैं तो आप ऑनलाइन मत बाय करें। तो ये तो मैंने एक्चुअली USA से मंगवाई थी, तो इसलिए यहाँ से मुझे मिल नहीं रही थी। और एक थोड़ी सी आप यहाँ पे लाइन खींचते पॉइंटेड के लिए, यहाँ कंसीलर थोड़ा आपके जो ब्रॉज हैं उनको, इसको भी हम या तो मैं मेरी ट्राई होती है मेकअप को जितना भी मतलब अच्छे से ब्लेंड किया जाए वो फिंगर से किया जाए, क्योंकि फिंगर्स में जो हमारी वार्म्थ होती है बॉडी की उससे अच्छे से ब्लेंडिंग होती है। तो मैं कंसीलर को जो आप ब्रश से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कंसीलर को इसके बाद बारी आती है ब्रॉज की। ब्रॉज जो है वो मैंने आपने ट्राई करना है कि हमेशा जो है आप जब इस ब्रॉज के लिए पाउडर भी होते हैं, इतनी टाइप के होते हैं मतलब पेंसिल होते हैं पाउडर होते हैं,
तो आपने क्या करना है, जब भी लेना है तो देखना है कि आपके बिल्कुल एग्जैक्टली जो ब्रॉज का कलर है उससे डार्क ना हो बिल्कुल, या उससे मैच करते हुए भी थोड़े से लाइट हो। तो मुझसे भी ये जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था, मतलब ट्राई किया था ब्रॉज को लिए, तो मैंने डार्क शेड यूज़ किया था, तो जो हमारे साथ मतलब थोड़ी आर्टिफिशियल लुक देता है। अगर आपके पास डार्क कलर है तो आपने बहुत ज़्यादा फिलिंग नहीं करनी है, देखिए मेरे पास है ब्लैक, या आपको ब्लैक लग रहा होगा लेकिन ये जो लाइटर ब्लैक है। अगर आप ब्राउन यूज़ करें तो ब्राउन डार्क यूज़ करें, मेरे पास ब्राउन डार्क भी है तो, लेकिन मैं आज जो है ये ब्लैक यूज़ कर रही हूँ, ये लाइटर है। तो इसको आपने क्या करना है, पहले अच्छे से इनको ब्रश कर लेना है ताकि फिर इसके बाद पता चले कि आपकी, मैंने ब्रश कर लिया था, इसके फिर पता चलेगा कि आपके पास कितनी जगह जो है फिलिंग के लिए खाली है, थोड़ी थोड़ी जगह फिल करनी है आपने बिल्कुल लाइट। ये देखिए इसमें और इसमें आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, ये जो है मैंने जहाँ जहाँ पे खाली जगह थी वहाँ वहाँ फिलिंग कर ली है। मेरे जो ब्रॉज है वो वैसे ही नेचुरली बहुत ब्लैक है, इसलिए मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, बस आपने इसको है जो खाली जगह होती है उन पर फिलिंग करनी होती है। तो आप साथ साथ ब्रश करते जाएँ, इस टाइम मेरे पास ब्रश नहीं है क्योंकि इसलिए बहुत ज़रूरी है ब्रॉज का करना, क्योंकि आपके ओवरऑल लुक को जो है ब्रॉज को बिल्कुल डिफाइन करता है, देखिए बिल्कुल लग रहा है कि हमारी फेस को बिल्कुल डिफाइन कर रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं आई मेकअप की तरफ। आई मेकअप के लिए मैं ये किट यूज़ करूँगी, आपने मेरे पहले भी, इसमें जो है मैं ये शेड यूज़ करूँगी, ये शिमरी सा गोल्डन है, क्योंकि हमने डे लुक क्रिएट करनी है ईद की और बहुत न्यूट्रल लुक देनी, इसमें बहुत शार्प मेकअप नहीं करूँगी, बस जो है मैं ये, और मैंने जैसे कि बताया मैं ब्लेंडिंग जो है मोस्टली आई मेकअप की वो हाथ से करती हूँ, वो बहुत अच्छी होती है। तो आप ब्रश से भी कर सकते हैं, ब्रश से भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन आपने क्या करना, तो ट्राई करनी है आपकी जो यहाँ से इस तरह आई शेप बने नीचे ना जाए, फॉल ऊपर को रहे, आपने अच्छे से इसको वाइस में कर लेना। तो मैंने इक्वल कर लिया है इसको, और फिर बारी आती है कि हमारा इस साइड पे हमने इन आउटर कॉर्नर पे है वहाँ पे हमने थोड़ा सा मेकअप करना है। हमने क्या करना है कि थोड़ा सा डार्कर ब्राउन शेड जो है, जिसे हम आप ब्राउनिंग करते हैं और आप अपनी कंटूरिंग करते हैं उससे भी आप कर सकते हैं। तो मैं ये थोड़ा सा ले रही हूँ यहाँ पे आउटर कॉर्नर पे, सिर्फ आउटर कॉर्नर पे आप करेंगे। इसे आप ब्रश से करें तो ज़्यादा अच्छे से होगा, जिनके जो न्यू है स्पेशली उनके लिए, मेरी हैबिट हो चुकी है तो मैं अब हाथों से करती हूँ, मुझे ब्रश से बिल्कुल आदत नहीं है। तो आपने क्या करना है, जहाँ पे आपके आउटर कॉर्नर वी शेप बनानी है, जैसे कि वी यहाँ ऐसे वी हो, दोनों पे ऐसे वी शेप के साथ अच्छे से ब्लेंड करनी है इसको भी, जो जो एक्स्ट्रा होगा वो आपने इस तरह निकाल देना है वी शेप के साथ। ये देखिए ये ऊपर को ही रहा है, जो न्यू कमर्स हैं वो मैं आपको, ये के बाद जो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है मेरा जो स्पेशली, वो है लाइनर। आपने क्या करना है, ये लाइनर जो है मैंने लिया था मिनी सो से, पिंक पैंथर लाइनर है, इसके जो है दोनों साइड पे, ये देखें एक साइड पे ये मार्कर शेप लाइनर है, दूसरी साइड पे ये पॉइंटेड है, तो आप इसको किसी भी शेप से लगा देंगे। लेकिन आज जो है मैं बिल्कुल न्यूट्रल मेकअप कर रही हूँ, तो मैंने क्या करना है आपने ये वाला जो है ये वाली साइड से लगाना है, तो मैं इसको कैट शेप पर लगाऊंगी। तो यहाँ जी मुझे मिरर की ज़रूरत पड़ गई, मिरर के बगैर मुझे लाइनर जो है वो नहीं लग रहा था, इसलिए मैं लगा रही हूँ। लेकिन आपको यहाँ पे मैं लाइनर लगाने का तरीका या मेकअप करने का तरीका नहीं, बस स्टेप समझा रही हूँ कि जो बिगनर्स हैं उनको नहीं आइडिया कि आप कैले कौन सा स्टेप फॉलो करें, तो वो स्टेप बता रही हूँ। तो आपने बस इसी तरह ये स्टेप सारे फॉलो करने हैं। अगर आपको मज़ीद जानना है कि मेकअप करने का, लाइनर फाउंडेशन लगाने का, स्मूथली फाउंडेशन फ्लॉलेस लगाने के लिए और लाइनर लगाने के लिए, मतलब डिफरेंट टाइप्स के लाइनर होते हैं, विंग शेप, कैट शेप, तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसके लिए इंशाल्लाह आपको अलग से वीडियो बना दूँगी। ये देखिए मैंने इसको बिल्कुल सी आई कैट आई जो शेप दी है। लाइनर हमने इक्वल सा लगा के, जहाँ पे जो ऊपर थोड़ा सा एक्सेस लग गया था वो मैंने यहाँ टिश्यू से साफ़ कर लिया है। आप भी जब लगे तो बिल्कुल साफ़ कर लें, क्योंकि हमारे नीचे जो है कंसीलर लगा होता है, फाउंडेशन लगे होते, जब आप अप्लाई करते, चाहे वो वाटर प्रूफ क्यों ना, वो इजीली आपसे हो जाता है। अगर आपके फिर भी नहीं होता इतना ढीर है आपका लाइनर, तो फिर आप क्या करें, इसकी एक टेक्निक है, आप कॉटन बड्स लें और उसके ऊपर थोड़ी सी वैसलीन लगाएं या बेबी जेली लगाएं, जो भी है आपके पास, तो वो वहाँ से उतनी से आप उसे रिमूव कर सकते हैं, मतलब कि सिर्फ उसी चीज़ को जहाँ पर आप एक्स्ट्रा लगाएं। तो मैंने बिल्कुल मेरे टिश्यू से हो गया, मैंने साफ़ कर लिया। बाद बारी आती है मेरा जो है मस्कारा की बारी, ये भी बहुत मेरा फेवरेट है। इससे क्या होता है, आपकी आईज़ बड़ी बड़ी लगती हैं, बिल्कुल ओपन लगती हैं, जैसे कि खिली खिली आईज़ हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं, मैंने कोई भी ना मेकअप ट्यूटोरियल भी, कोई आर्टिफिशियल लेंस, आर्टिफिशियल लैशेज कुछ भी नहीं लगा रही, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल से लुक दे रही हूँ। आपने भी एक नेचुरल रहना, ट्राई कीजिए कि इस तरह की आर्टिफिशियल चीज़ों से ज़्यादा अवॉइड करें। मतलब तो मैं ये कौन सा यूज़ करी, ये भी बेनिफिट का है द रियल मस्कारा। तो हम ये यूज़ करते हैं, ये जो है ये वाटरप्रूफ है। आप जो है ईद के लिए जो स्पेशल कोई उसके लिए वाटरप्रूफ यूज़ किया करें, क्योंकि आप नहीं होता है कि फुल डे आपका मेकअप कैरी करना होता है। तो मैं इसको भी आपने सॉफ्टली हर जगह पे अलग अलग से इसको एक एक जो हमारे आई नीचे के आई लैश उनके भी इस तरह ये जैसे मैं कर रही हूँ, डिफरेंस देखें इस आई लैश में इस आई लैश में, आपने हल्का हल्का सा हर किसी पर ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ही आप ऊपर करेंगे।
जी, कुछ लोग जो हैं वो बेस से पहले फाउंडेशन मेकअप फेस मेकअप से पहले सॉरी वो आई मेकअप करते हैं, तो आपने क्या करना, मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं भी ऐसे ही करती हूँ समटाइम, लेकिन क्योंकि मेरा आई मेकअप जो है इस दफ़ा बहुत शार्प नहीं था इसलिए मैं नीचे फॉलो अप नहीं हुआ, देखिए बिल्कुल भी नहीं, मेरी बेस ख़राब हुई, तो इसलिए पहले मैंने बेस फाउंडेशन लगाई और देन आई मेकअप। तो आप भी जब ऐसा हो सके तो ज़रूरी नहीं है कि पहले जब हाँ आपने स्मोक किया इसे बहुत ज़्यादा शार्प लुक देनी हो तब आप बाद में बेस फाउंडेशन फेस मेकअप कीजिएगा और पहले आई मेकअप। तो अब जो है मैं यूज़ कर रही हूँ H&M का पाउडर हमने लगाना है। पाउडर क्यों बहुत ज़रूरी है, पाउडर की भी बहुत सारी टाइप्स होती है, लिक्विड होता है, क्रीमी टच में होता है, पाउडर में होता है, लेकिन मैं पाउडर लगा रही हूँ इसलिए क्योंकि आपके जो ये इना ग्लॉसी तो ये क्या है हमारी फाउंडेशन को हमारे मेकअप को है जो लॉक कर देगा, मतलब कि फॉल आउट नहीं होगा, हमारा मेकअप ख़राब नहीं होगा, कहीं और ट्रांसफर नहीं होगा, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं यूज़ कर रही हूँ ये H&M का, आप किसी भी तरह शूट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं कोई भी ब्रांड का, लेकिन आपने क्या करना है कि आपका ये सेम अपनी स्किन कलर से मैच हो, जैसे कि देखिए मेरा अपनी मेरी बेस से और ये इससे बिल्कुल एक्जैक्टली मैच हो रहा है, तो आपने भी ये ऐसा ही करना है। इसके नीचे से अंदर से इनका अलग से दिया होता है लेकिन मैं ये यूज़ नहीं कर रही हूँ, इससे जो है हमारी अच्छे से बेस जो है फाउंडेशन वो लॉक हो जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा कंटूरिंग, और कंटूरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फेस के लिए, स्पेशली जिनका फेस जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब के गोल शेप में हो, बड़ा हो और हेल्दी बोन्स चीक हो, लेकिन मेरा फेस इतना बड़ा नहीं है, लेकिन मुझे इसलिए है कि मेरा फेस जो है बिल्कुल डिफाइंड लगेगा, हमारी चीक बोन्स जॉब लाइन सब कुछ हमारी जो है ये डिफाइन लगेगा। तो मैं सेम जो है वही कलर यूज़ करी, आप कोई भी डार्कर शेड जो है अपनी बेस से फाउंडेशन से चार नंबर जो है डार्कर या तीन चार नंबर डार्कर वो यूज़ करें, कुछ भी कर सकते हैं चाहे पाउडर में हो लिक्विड में, मैं ये पाउडर में ले रही हूँ इसलिए ये जो है जो सेम मैंने अपनी आईज़ की क्रीज पे लगाया था वही मैं ले रही हूँ, इसको भी सेम ऐसे जो एक्स्ट्रा। तो इसको हमने क्या करना है, यहाँ से इस तरह थ्री बना लेना है। इसकी सबसे जो बेस्ट बात है इसकी कंटूरिंग की, हमने इसको अच्छे से ब्लेंड करना है, इसको हमने अच्छे से इसको ब्लेंड करना, मैं अच्छे से कर रही हूँ। और फोरहेड के लिए इसलिए ज़रूरत है, जिनका फोरहेड बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो उनके लिए तो थोड़ा सा छोटा लगे, लेकिन मेरा इतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कि अच्छे से ये डिफाइन इस तरह हमने करके ऐसे इसको थ्री बना लेना है, और ट्राई कीजिए तो या पूरा लगे क्योंकि इस तरह ओवरऑल आपकी आर्टिफिशियल लुक नहीं आएगी, तो आप इस तरह भी ब्रश को इसे अच्छे से ब्लेंड कर लें। मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना, ये देखें ये बिल्कुल अपील नहीं हो रहा कोई भी आर्टिफिशियल लुक, सेम इसी तरह हमने इस साइड में करना, फेस पे हमारी दोनों साइड पे होगी, जो बच जाएगी हमने और नहीं करनी, तो हमने नोज़ की साइड पे इसी को ऐसे करके हमने पिंच करके ब्रश से ऐसे कर देना है, जहाँ पे हमने कंसीलर लगाया था नोज़ पे वहाँ पे, इससे ये कि हमारा नोज़ जो है वो बिल्कुल थिन लगेगा, बिल्कुल तीखा ना लगे। इसके बाद बारी आती है हमारे ब्लश की, ब्लश जो है वो बहुत मैं लाइट सा यूज़ कर रही हूँ, बिल्कुल न्यूट्रल सी लुक देनी है हमने, तो इसलिए जो आप भी है अपनी स्किन पर जो लाइट है वही यूज़ कीजिएगा। तो ब्लश भी मैं सेम ऐसे ही इसी ब्रश से मैं यूज़ करूँगी। आपने ब्रश के लिए क्या करना है, थोड़ा स्माइली सा फेस रखना है, ये देखिए बिल्कुल न्यूट्रल सा, ज़्यादा पिंकिश नहीं है, हमने इसको ज़्यादा पिंकिश नहीं करना, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे नोज की टिप पे, ताकि हमारा नोज भी है वो डिफाइन। ब्लश हमने लगा लिया है, ये देखिए मैंने बिल्कुल न्यूट्रल सा लगाया, ज़्यादा नहीं ओवर नहीं किया। तो ब्रश मैं इसलिए एक सब यूज़ करी हूँ, वैसे आप अलग अलग रखी तो ज़्यादा बेस्ट है, मैं इसलिए वीडियो को स्टार्ट में बताना चाह रही थी, लेकिन फिर मैंने कहा वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, लेकिन अब आप इस बल के कमेंट सेक्शन भर दें इन चीज़ों से। तो मैं पहले ही बता दूँ कि जो मैं अपने मायके आई हूँ, अपने घर आई हूँ, तो मेरा जो मेकअप का सारा सामान है वो मेरे ससुराल है, मैं यहाँ पर सिर्फ गिना चुना लेकर आई थी, तो मुझे लगा था जितना ज़रूरी होगा इसलिए हर चीज़ मेरे पास एक एक लेकर आई थी। कैरी करना बहुत टफ होता है, आपको पता है जैसे कि मुश्किल होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, फिर सामान लेकर आना, पैक करना, ये सब, इसलिए मैं थोड़ा सा लेकर आई थी जितना कि हैंडी बैग में आ जाए। तो फिर इसलिए जो है मैं एक ही ब्रश से काम करी, लेकिन आपने क्या करना है, आईज़ के लिए मैं ब्रश यूज़ करती नहीं हूँ, आईज़ के लिए जब बहुत ज़्यादा आपने स्मोकी आईज़ या कोई और लुक देनी हो तब मैं ब्रश यूज़ करती हूँ, वैसे मैं फिंगर ही यूज़ करती हूँ। बेस के लिए आप अलग से ब्रश रखें और ट्राई करें आप जो ब्लश ऑन के लिए वो अलग से रखें, मैंने इस बेचारे को हर चीज़ के लिए शेप दे दी थी ऐसे अलग कर करके, और आप कंटूरिंग के लिए अलग से रखें, आईज़ के लिए तो होता ही अलग से है, तो आपने ट्राई यही करनी है। हमारी बारी आती है हाइलाइटर की, अपने फेस को हाईलाइट करने की, उनके फीचर्स को अलग से हाईलाइट करने की। हाइलाइटर के लिए आप अलग से हाईलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मेकअप मोआ का मैं यूज़ कर रही हूँ पैलेट, तो आई पैलेट है, इसमें जो हाइलाइटर है मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं ये इसे अपने साथ ले थी। इसका जो है ये बहुत ही पिगमेंटेड है, इसमें काफ़ी शेड है हाईलाइटर का, लेकिन मैं इसमें जो है ये गोल्डन जो लाइट गोल्डन वाला है वो यूज़ करूँगी। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे जो अबव एरिया होते हैं चीक, वहाँ पे हमने लगाया था अपना ब्लश ऑन, इसको फिंगर की टिप से, इसको भी हम ब्रश से लगा सकते हैं, लेकिन ये देखिए फिंगर से कितना अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे आईज़ के ऊपर, अपने ब्राउज के नीचे, और यहाँ पे ऐसे करके अप्लाई कर दें, थोड़ा सा यहाँ पे भी कर लें तो अच्छी लुक आएगी, और थोड़ा सा हम लगाएंगे अपनी नोज़ की टिप पे ऐसे, और अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे अगेन, फिर हम यहाँ पर लगाएँगे।
और जिन जिन एरिया को आप करना चाहते हैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्रॉज के ऊपर यहाँ इन जगहों पे हाईलाइट, ये देखें ये कितनी अब अच्छी सी लुक आ गई हमारी, अलग अलग हर फीचर्स जो हैं वो हाईलाइट हो चुके हैं। देन बारी आती है हमारे आखिरी स्टेप की जो है वो लिप, मेरा ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसके लिए भी आपने क्या करना है, इसके लिए भी अलग से आजकल लिपस्टिक आई हुई है, क्रीमी लिपस्टिक, नॉन ग्लॉसी और मैट लिपस्टिक आपके पास, इवन पाउडर फॉर्म में भी लिपस्टिक आई हुई है। तो लेकिन आपने अगर जो भी लिपस्टिक अप्लाई करें पहले तो एक आपके लिप्स जो है वो अच्छे से मॉइस्चराइज हो, वो बिल्कुल ऐसे ड्राई नहीं हो, फिर वो लिक्विड जो है जो भी लिपस्टिक होगी, लिक्विड होगी, पाउडर होगी, कोई भी होगी ना, वो अच्छी नहीं लगेगी, वो अजीब सी खुड़ी खुड़ी सी लगेगी, और दूसरा वो जल्दी से उतर भी जाएगी। एंड सेकेंड जो है आपके मॉइस्चराइज हो, अगर आपके लिप जो है नहीं है तो आपने क्या करना है, पहले लिप बाम लगानी है, लिप बाम लगा के फिर आप उसको टिश्यू से अच्छे से आराम आराम सॉफ्टली जो है वो उसे साफ़ करें, देना आप कोई भी कलर ले सकते हैं। मैंने जो है ये लाइट पिंकिश ब्राउनिश सा लिया है, तो मैं इसको अपने लिप की लाइन पर लगाऊँगी। आती है हमारी लिपस्टिक की, लिपस्टिक के लिए जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो नार्स का ये शेड यूज़ कर रही हूँ, लिप ग्लॉस है ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। हमने जो है आई किया जो मेकअप है बिल्कुल न्यूट्रल लाइट दिया, जब हमारा आईज का मेकअप लाइट हो तो हमने लिप्स को हम शार्प कर सकते हैं, मतलब थोड़ा बोल्ड लुक दे सकते हैं, लेकिन अगर हमारा आई मेकअप बहुत शार्प हो तो हमने लिप्स को तेज़ नहीं करना, वो आप ट्राई कीजिएगा थोड़ा सा लाइट कलर लगाएं, अगर डार्क लगाएं तो उसको खुद से लाइट कर लें। तो मैं ये कलर यूज़ कर रही हूँ, फेवरेट कलर है, अभी मैंने सिर्फ एक बार इसको ट्राई किया था, अभी मैं फर्स्ट टाइम कि मुझे आइडिया नहीं था कि इसके क्या बेनिफिट हैं कि हम लगाएं बता के लिपस्टिक लगाओ जान चुका, लेकिन जब से मैंने ये अप्लाई करा पहले मुझे लिपस्टिक बिल्कुल ठीक नहीं लगती थी, अब मुझे पता होता है मेरी बाउंड्री लाइन है कि मुझे इसी के अंदर अंदर इन कॉर्नर पे फिल करना है। तो ये बहुत स्पेशल बिगनर्स के लिए बहुत कंपल्सरी है, बहुत ज़रूरी है, आप करें ट्राई, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये जी हमारा मेकअप जो है वो डन हो चुका है, अब हम क्या करते हैं थोड़ा सा बाल ओपन करके इसकी अच्छी सी लुक दिखाते हैं। ओके जी हमारा मेकअप ट्यूटोरियल जो है वो डन हो चुका है, इसलिए थोड़ा लंबा हुआ बना, इतना लेंथी नहीं, अगर मैं फर्स्ट टाइम में वीडियो बना रही थी इसलिए क्योंकि स्पेशली बिगनर्स के लिए तो मुझे था कि मैं हर चीज़ डिटेल से बताऊं, लेकिन आप वीडियो जो है वो थोड़ी लेंथी हो चुकी है, लेकिन इसलिए आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो को पूरा देखना है। हर चीज़ पे मैंने हर चीज़ अप्लाई करने से पहले उसको अलग से डिटेल में समझाया और बताया भी है कि इसके क्या बेनिफिट है, अगर आप इसको स्किप करेंगे तो आपकी स्किन पे इस तरह की लुक नहीं आएगी, इसको करेंगे और बहुत सी मैंने न्यूट्रल सी लुक दी है। और ईद के लिए मैंने जितनी मेहनत की है इस ट्यूटोरियल के लिए, आपने भी थोड़ी सी मेहनत करनी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना है और लाइक्स देनी है ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह इससे भी बेहतर वीडियो बनाऊंगी। और आप मुझे सजेशन दीजिएगा जरूर कमेंट सेक्शन पे, मैं कैसा ट्यूटोरियल बनाऊँ नेक्स्ट, ग्लैम लुक किस तरह का चाहते हैं आप, और आइज़ के लिए स्पेशली मुझे बताइएगा कि लाइनर लगाने के लिए या फिर आप स्मोकी आइज़ के लिए जिस तरह का भी आप चाहेंगे, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी बनाने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, ओके चल देन वेट, अल्लाह हाफिज़।